तो फ्लो स्विच का यूज़ हम लोग सीखेंगे। ये मैकेनिकल का एक इक्विपमेंट है, मेजरिंग फ्लो ऑफ चिल्ड वाटर पाइपिंग, यानी कि फ्लो स्विच हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। अब जब भी देखे होंगे चिलर के सप्लाई में, यानी कि रिटर्न से जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो फ्लो स्विच लगाते हैं। तो देखते हैं फ्लो स्विच एक्चुअली में है क्या। फ्लो स्विच का जो वर्किंग है वो चिल्ड वाटर के फ्लो पे डिपेंड करता है, यानी कि जब फ्लो होगा तो वो सही रहेगा, और जब फ्लो बंद होगा तो चिलर को बंद कर देगा। सपोज़ किसी वजह से अपना पंप बंद हो गया या पंप बंद कर दिया तो चिलर को भी बंद होना मांगता है। तो देखिए ग्रीन कलर से दिखाया गया एक केबल एंट्री है जो चिलर से कनेक्शन होगा उसके कंट्रोल पैनल से, और इसका जो थ्रेड साइज़ है वो NTP लिखा हुआ, दिस हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ फैन स्पीड। ठीक है, आगे देखिए पैडल की बात करते हैं। ये पैडल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। फ्लो स्विच अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इज स्विच ऑन और ऑफ इन रिस्पॉन्स टू द फ्लो और नॉन फ्लूड सच इज एयर वाटर। द स्विच पैडल टिपिकली ऑपरेट्स थ्रू द यूज ऑफ पैडल विच गेट्स डिस्प्लेस ड्यू टू फोर्स ऑफ मूविंग फ्लूड मूविंग पास्ट इट। मतलब ये बोला है कि जो फ्लो स्विच है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो जो उसका जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकली वो होता है हमारा कंट्रोल पैनल ऑफ चिलर। ये हमें बताता है कि फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फ्लो होगा तो पैडल है वो हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, देखो उधर ऑन और ऑफ दिखाया हुआ पैडल। अगर फ्लो नहीं हो रहा है यानी कि पंप बंद हो गया किसी वजह से, तो उस टाइम में क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा और ये सिग्नल चिलर को देगा कि अब तुम बंद हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रहा फ्लो स्विच। अब देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये हमारा चिल्ड वाटर का लाइन है जो 1 इंच का हमने सॉकेट दिया है, और इसको पैडल बोलते हैं। जो स्टेनलेस स्टील का दिख रहा है ना, उसमें हमने टेफलन लगा करके उसको कनेक्ट करना है। एक चीज़ और, जब भी हम कनेक्ट करेंगे ना, उसका जो फ्लो डायरेक्शन होता है, मतलब कि जिधर से चिल्ड वाटर जाएगा वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में उसको डालते हैं। ठीक है, उसका भी डायरेक्शन वही होना चाहिए जो हमारे चिल्ड वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, अदरवाइज वो तो चलेगा ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इंस्टॉल होने के बाद मैं इसका जो कनेक्शन है वो दिखा रहा हूँ, चिलर के पैनल से हो गया। ये होता है हमारा पैडल। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।